क्या वजह है? क्योंकि हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं आया। ताकत की हुक्मरानी है, जो ताकतवर है वो अपने आप को कानून के ऊपर समझता है, डाका मारता है तो एनआरओ मिल जाता है और सिर्फ छोटे चोर जेलों में जाते हैं, बड़े डाकू जेलों में नहीं जाते। सबसे बड़ा डाकू आपका वजीर आजम बन गया है। तो अल्लाह सुन ले, दुनिया का सबसे अजीम लीडर ना कभी कोई आया है ना कभी आ सकता है, वो आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। किसी इंसान ने इस दुनिया में वो अचीवमेंट नहीं की जो आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। कोई इंसान ने इंसान की तारीख में वो अचीवमेंट्स नहीं की। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जो कौम छोटे चोरों को जेल में डालती है और बड़े डाकुओं को पकड़ नहीं सकती वो तबाह हो जाती है। तो आज हमारा मुल्क उधर खड़ा हुआ है और मैं जो आपके पास आया हूं, सबसे पहली मैं आपको चीज कहूंगा कि अपनी पढ़ाई के ऊपर आपकी सबसे ज्यादा तवज्जो होनी चाहिए। कौमें वो ऊपर जाती हैं जो अपने इंसानों के ऊपर तालीम पे पैसा खर्च करती है। और ये जो अपने आपने यूनिवर्सिटी की बात की, इंशाल्लाह मैं ये चीफ मिनिस्टर से बात करूंगा और आपको अगला स्टेटस बनवाने की कोशिश करूंगा यूनिवर्सिटी का। लेकिन ये आपने याद रखना है कि जो जिंदा माशरा होता है वो जब मुल्क के अंदर जुल्म और नाइंसाफी होती है, जिंदा माशरा इंसाफ के लिए खड़ा होता है। अल्लाह ने मुसलमानों को क्यों कहा जहाद करने का? जहाद क्या है? जहाद जुल्म और नाइंसाफी के सामने खड़ा होना, जानवर जुल्म और नाइंसाफी के सामने नहीं खड़े होते। आपने कभी देखा होगा नेशनल ज्योग्राफिक एनिमल प्लैनेट में कि जो अफ्रीका का सबसे ताकतवर जानवर समझा जाता है वो अफ्रीकन बफलो है, जो अफ्रीका की भैंस है। आप देखते होंगे कि 5-6-10 शेर, हजारों भैंसें खड़ी होती हैं। वो पहले उनको डराते हैं, वो जब भागना शुरू करती हैं तो वो एक भैंस को पकड़ लेते हैं, 5-6 शेर, और वो सारे अपनी जान बचा के भाग जाते हैं क्योंकि वो जानवर हैं। जानवर अपना सोचता है। इंसानी माशरे के अंदर इसलिए अल्लाह ने आपको कहा है कि जुल्म का मुकाबला करो, जुल्म के सामने सर ना झुकाओ। जो जालिम के सामने खड़ा होता है राय हक पे और उसकी जान जाती है, अल्लाह उसको शहादत का रुतबा देता है, सबसे बड़ा रुतबा देता है। आज अगर अरशद शरीफ इस मुल्क का एक ऐसा सहाफी जो राय हक पे खड़ा था, अपने मुल्क के लिए जद्दोजहद कर रहा था कि चोरों को और डाकुओं को बेनकाब करने का, और जो रिजीम चेंज हुई उसके खिलाफ जो जहाद कर रहा था, जो उसका कत्ल किया गया, इसका रुतबा शहीदों में जाता है। ये कौम हमेशा इसको याद रखेगी कि अपनी जान कुर्बान की इसने हक के लिए। इसलिए ये याद रखें कि जिंदा माशरा हमेशा
जुल्म और नाइंसाफी के सामने खड़ा होता है, खौफ के बुत की पूजा नहीं करता। खौफ की वजह से जालिम का मुकाबला करने से डरता नहीं है। सबसे बड़ा सानिया मुसलमानों की तारीख में जब हजरत इमाम हुसैन की शहादत हुई तो कूफा के लोग सब जानते थे कि हजरत इमाम हुसैन राय हक पे खड़े हैं, लेकिन उन्होंने यजीद के खौफ की वजह से हजरत इमाम हुसैन की मदद नहीं की और हमेशा के लिए वो पछताए कि इतना बड़ा जुल्म होने दिया उन्होंने। आज भी यही है। मैं जो आपके पास आया हूं सिर्फ एक चीज आपको बताने के लिए कि हमने ये जो चोर ऊपर हमारे अमेरिका ने मुसल्लत किए हुए हैं, मैं जब तक जिंदा हूं इनका चोरों का मुकाबला करूंगा, अपनी कौम को तैयार करूंगा कि कौम आज उधर खड़ी है। अगर इन चोरों की हुक्मरानी रह गई, अगर ये जुल्म और नाइंसाफी का निजाम रह गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे जिसकी हम उम्मत हैं, जो इस दुनिया की तारीख के सब अजीम से अजीम लीडर हैं, उन्होंने हमेशा हमेशा जालिम का मुकाबला किया। सारे अल्लाह के पैगंबरों ने जालिमों का मुकाबला किया। हजरत मूसा ने फिरौन का मुकाबला किया, हजरत इब्राहिम ने निमरूद का मुकाबला किया, हजरत ईसा ने रोमन इंपीरियलिज्म का मुकाबला किया और जो यहूदी एलीट थी उसका मुकाबला किया। सब इंसाफ के लिए खड़े हुए हैं। जितने अल्लाह के पैगंबर आए थे सब इंसाफ के लिए आए थे कि अल्लाह की जमीन पे इंसाफ कायम करना। तो आप फ्यूचर लीडर्स हो, लीडर बनता है जब वो इंसाफ के लिए स्टैंड लेता है। वो लोग जो जुल्म के सामने सर झुकाते हैं उनमें और जानवरों में कोई फर्क नहीं होता। अमेरिका के अंदर जब सिविल राइट्स मूवमेंट शुरू हुई, जो अफ्रीकन अमेरिकन्स के ऊपर जो वो जुल्म करते थे, उनको इंसाफ नहीं देते थे, उनके सामने कौन खड़े हुए? यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, अमेरिका की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स निकले। जो वियतनाम वॉर हुई उसके खिलाफ कौन खड़े हुए? यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, कॉलेजेस के स्टूडेंट्स खड़े हुए। हमेशा नौजवान एक माशरे के इंसाफ के लिए खड़े होते हैं। जब बर्तानिया इराक के अंदर जंग में शिरकत की, बर्तानिया को फायदा था, जंग तेल के लिए थी, लेकिन 20 लाख लोग बर्तानिया में निकले उस जंग के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने कहा यह नाइंसाफी है, जिंदा माशरा। आज आप सब पाकिस्तान के जो नौजवान उनका फ्यूचर आज खतरे में है ये चोरों को ऊपर बैठा के, आप सब ने इस जुल्म के सामने, इस नाइंसाफी के सामने, इन जुराइम पेशा लोगों के सामने आपने सब अपनी आवाज बुलंद करनी है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम इनका मुकाबला करेंगे, इनको शिकस्त देंगे और कायद आजम का पाकिस्तान बनाएंगे, और वो पाकिस्तान जो यहां से इलामा इकबाल जो पिछले 500 साल में मुसलमानों का सबसे बड़ा जहन, बड़ा इंटेलेक्चुअल, हम इलामा इकबाल का जो ख्वाब था पाकिस्तान का, इंशाल्लाह हम सब मिलकर वो पूरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।